पिज्जा जो भर के पेट भर रहा है उससे क्या हमारा। जल्दी ले आओ जल्दी जा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी हूँ मैं कॉलेज में, आज अपना फर्स्ट टाइम ब्लॉग मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया है। क्लासरूम मेरा देख लो भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ दो नंबर पे, और विपिन भाई आ चुके, पूरी क्लास में कोई नहीं, सबसे पहले से हम दो ही आए हैं अभी। और कॉलेज में ब्लॉग बहुत कम करूँगा क्योंकि यहाँ तो पढ़ने ही आता हूँ, बस आज चल लिया ऐसे मन किया तो, और यहाँ मोबाइल चलाना मन आया तो अपना बंद कर देते हैं, और मेरा फ्रेंड भी आ ही रहा होगा बस। 5 hours later सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 क्योंकि मैं ट्यूशन से सॉरी कॉलेज से आ चुका हूँ। आज का दिन थोड़ा जल्दी बीत गया अच्छे से। मम्मी शायद ऊपर है, ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर हमारे इसमें चुइयाँ भी आ चुकी है, इसको चुइयाँ छोड़ के आना, काफ़ी भारी चुइयाँ हैं। अभी छोड़ जाऊँगा इसको भी, अभी चलते हैं ऊपर। यहाँ रोई भी नहीं है रूम में, शायद सर से ऊपर रूम मम्मी। तो इस वैसे आज मेरे दो दोस्त हैं ऑब्जर्वेशन में, दूसरी साइड में मैरिज है, बट वहाँ जा नहीं रहा, मूड हुई नहीं, मूड बहुत खराब आया रहा था, मतलब टाइम में नहीं पड़ा। क्या बना रहे हो मेरा? चावल में क्या है? है। हमारा ही ब्लॉग है पुराना, पुराना ब्लॉग कल वाला चल जाए। बना रहे हैं इसमें लोग करें टीवी लोग तो 50 50 आएगा तो आया जाने 50 रुपये का। वैसे 100 रुपये पड़ेगा, 100 रुपये है तेरे पास? तो बनाओ पिज्ज़ा। पापा से पूछ लो बस एक बार, पापा तो बाद में आएंगे यार। पैसे पापा के ही ना, पापा के पैसे हैं। 100 रुपये रखे हैं मेरे पास, 120 है टोटल। अरे तो आ ही जाएगा पूछ लें पिज्ज़ा खाया नहीं। और मैं आज सर्दी में इतना परेशान हो रहा था, अभी आधे घंटे से बैठे इतना उदास हो, बड़ा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार। मैं कॉलेज जाता हूँ थक जाता हूँ, पूरा थक गया मैं आज भी। उसके बाद पढ़ना भी है मुझे, फिर ब्लॉग बनाना कैसे बनाऊँ, ब्लॉग में बनाऊँ क्या सिंपल बेसिकली, क्या शूट करूँ ब्लॉग में समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि भाई मम्मी काम में बिजी रहती हैं अपना, पापा ड्यूटी चले जाते हैं, ये घर में रहता है नहीं बचा मैं। अब मैं ही 24 घंटे वीडियो में देखता रहूँ तो फिर ये ब्लॉग फैमिली ब्लॉग तो रहा नहीं, क्योंकि ये मैं बनाता हूँ फैमिली ब्लॉग्स। बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी तो, बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे मैनेज होगा, बट ये है करना तो है ही, करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना अभी डेली पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएंगे ना क्योंकि उसका मुझे पढ़ना ही पड़ेगा वैसे, तो इसलिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि आगे मुझे बेनिफिट हो, है ना भाई? पता मंगा तो पिज्ज़ा आना, वैसे पैसे तो मेरे पास हैंगे, हाँ चल देखते कितने जाता है। वैसे नितिन ने बहुत टाइम हो गया नितिन ने पिज़्ज़ा नहीं खाया, या फिर एक काम कर रहा हूँ ना मैं नंदराम से बना के ले आ रहा हूँ तेरे लिए, ठंडा हो जाता है। अब एक बात बता, जब स्विगी से मंगाएंगे तो आधे घंटे में आएगा वहाँ से, समझ रहे हैं? यहाँ से 20 मिनट में ले जाऊँगा। कितने? 2 पिज्जा ले जा रहा हूँ, मम्मी से पूछ पहले। मम्मी चल रहे ना, पिज्जा खाओ पिज्जा। चलो मैं तुम्हें पिज्जा ही पार्टी देता हूँ, पर ये कह रहा है पापा जी पैसे बचे हुए आधे ना बचे नहीं है, तो लिया अपने पैसे ले, क्या हो जाए तुम्हें पिज्जा खाना है चावल तो बनाए हैं, भूख लग जा खा लेंगे। और क्या, कौन सा रहेगा? 2 ले आ रहा हूँ सस्ता सस्ता, कल चावल ही तो है, चावल से वैसे पेट ना भरता है हमारा, क्या लेके जा रहा हूँ। कौन सा पैसे हैं मेरे पास? हाँ पैसे कम पड़ जाते हैं, 1000 रुपए मेरे पास, कोई बात ना 1000 रुपए। बहुत दिन से रहा पिज्जा खाने, चलो मंगाली कल रोटी कम बना। पिज्जा जो भर के पेट भर रहा है उससे क्या हमारा? जल्दी ले आओ, क्यों मंगा रहे थे जल्दी जा। पिज्जा खाते हैं टेस्ट के लिए, ऐसे थोड़ी सी पेट भर लेनी, उससे पेट भर जाए इससे, ये चावल से पेट भरता है ना सारा चावल। तो यार वैसे भी अंधेरा हो रहा था, अकेले जा रहा हूँ कुछ लेके आया हूँ। कहाँ जाएगा? नंदीराम। नंदीराम होटल स्पाइसी से आगे। हाँ पिज्जा हाउस में, पिज्जा पिज्जा हाउस पिज्जा जा रहा हूँ, पिज्जा खा लो तो मैं ना पिज्जा पिज्जा मैं 2 ले आता हूँ मैं, है ना? 2 पिज्जा। अरे मैं तेरे लिए ले आऊँगा, बढ़िया ले आऊँगा खाने की बात खत्म। पर एक काम कर, उसमें से दे 50 रुपये भैया। अरे कोई बात है वापस खा दूँगा, पेप्सी ले आऊँ ना उसमें, दे दे पापा से पूछता हूँ, चलो फोन करके। अब आ चुके हैं पिज्जा रूम्स पे, पिज्जा लेते चलते हैं यहाँ से।
सो गाइस बंदा बस जस्ट हो ही जा चलो यहाँ पे ए सी तरह के बाहर मिल रहे हैं, यहाँ पे ए सी रहा पड़ा है, सही है, गर्मी से रहा है। सो गाइस पिज़्ज़ा मिल गया है एंड अब चलते हैं घर तेजी में, ठंड हो जाए बनना है। तो अब आ चुका है पिज़्ज़ा, निकाल खा ले, 100 रुपये का। फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा खाया था, बहुत बार है, बहुत दिन बाद खाया है ना। टेप छोटा है, छोटा सा है, छोटा ही है, पर बचपन जाता है, अभी महंगा हो गया, कल तो बड़ा आ रहा है। पहले चपोड़ी हो जाएगी, नितिन ने पिज़्ज़ा हाँ, नितिन के साथ मतलब खुश हो गया वो। आज मैं मतलब मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, आधे घंटे पहले चल लेटर बढ़ा था, एकदम उदास हो गया, क्या प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा क्या करूँगा, क्या स्टेप होगा, पर कोई बात नहीं, करते रहेंगे धीरे धीरे, होता रहेगा, थोड़ी देर एडिटिंग करके फिर रात में पढ़ा चलूँगा। 3 दिन से मैं मतलब कम सो रहा हूँ, 12 बजे सो रहा हूँ, 6 बजे उठ जा रहा हूँ, बट अब पहले ऐसा नहीं है ना, तो थोड़ी स्टार्ट हो जाए, पढ़ना भी है और अदर एक्टिविटीज़ भी, जाना इतने सारे माइंड में काम रहते हैं, मैं ना कर नहीं पाता ना, बताइए पढ़ाई तो है तो, उसके बाद जो काम चल रहा है बिजनेस वाला, फिर पैसे आने चाहिए, इस एज में इंडिपेंडेंट होना ही ज़रूरी है। एंड मैं हूँ थोड़ा बहुत मतलब अपना खर्चा खाना पीना, अभी दिखाऊँ आप कितने पैसे उड़ाए हैं मैंने, मतलब अपने अब मैंने ना खर्चा कम कर दिया, इस एज में ना पैसे उड़ा हूँ मैं तब भी, पर थोड़े कम उड़ा रहा हूँ पहले से, पहले मैंने इतने ज़्यादा पैसे जो आए थे सब उड़ा देते एक साथ ही, अब दिखाऊँ मैंने क्या उड़ाया था, एक्सपेंसेस क्या थे, बट मैंने इस महीने कम कर दिया यार, इस महीने मेरा खर्चा कम था, और इतना मतलब वो मेरा मन है डांसिंग सीखना, डांस सीखूँ, जिम जाऊँ, बहुत सारे इतनी सारी एक्टिविटीज़ मैं भूल जाता हूँ क्या करूँ, टाइम ही मिल पा रहा है इन चीज़ों से मेरे को, वो बहुत परेशान होता था वैसे, बट अब सही एकदम स्माइल जा रहा था, अच्छा हो गया, और पिज़्ज़ा खा लेते मज़ा आया, आज बने पीले चावल लोग भी खाते हैं है ना, और ये कैसे चावल है, चलिए छोटी छोटी सोयाबीन है, किसी ने खाना खाया नहीं है, सबसे पहले मैं खाता हूँ आज। सो गाइस चावल आ चुके हैं, पीले चावल बने हैं आज, और मेरे यहाँ इस वजह थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते सुनते खाना है, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना हमें एनर्जी देता है, मुझे तो देता है बहुत ज़्यादा, मैं म्यूज़िक सुनता रहता हूँ नहाते टाइम भी, खाते टाइम भी लिटरली, तो एनर्जी देता है म्यूज़िक, नहाते टाइम जो है ना कितना पावरफुल डल रहा है आपको, आपकी एनर्जी को डबल कर देगा, क्या तो इसको जो खाने में डल रहा है अभी, वो हम सोच रहे थे 55-60 मिलते हैं, 100 रुपये महंगा हो गया अभी यार, 60 रुपये का मिला है एक, तो आगे काम भी जाना, तो मैं फिर 80 भी चला है, क्योंकि टेस्ट तो आ ही जाए, मम्मी डेरी पिज़्ज़ा मतलब पेट भर जाए, कहाँ पेट भर रहा है, इतना स्लाइस मिला उसमें भी, हाँ जब मैं मॉल गया था ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े से पैसे हो जाएंगे, वैसे देखो मैं तो जाऊँगा मूवी देखने, अगर पैसे थोड़े हो जाए तो इसको भी ले चलूँगा मूवी दिखाने के लिए, PVR मॉल में VVIP मॉल बहुत मस्त मॉल है, क्योंकि 30 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है विक्रम वेदा, उसका ट्रेलर, क्योंकि हाँ सब मेरे हिसाब से ट्रेलर मोबाइल पे ना होल्ड में था ना, तो उसका ट्रेलर चल रहा था, उतना मस्त ट्रेलर 250-300 की होगी, पर धीरे धीरे कम हो जाएगी, 70-150 के आसपास आएगी, तो चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कैशबैक वैशबैक जोड़ के सारा, और मैंने वो ट्रेलर जब देखा ना वहाँ पे, भाई क्या होल्ड में अलग मज़ा आ रहा था, तो PVR VVIP जाऊँगा शायद, पर अभी पता नहीं, इंतजाम हुआ तो ठीक है, वरना फिर बात नहीं, चलिए फिर खा लेते, तो अब खाना खाते हैं फिर मिलते हैं, पहले पहले खाना खाते हैं, भूख गई बहुत जोर से। सो अभी जैसे मैंने खाना मैंने खा लिया है, अभी बैठा हूँ आराम से लैपटॉप पर काम करना स्टार्ट किया, तो अभी खाता हूँ, तो क्या एक्सपेंसेस होगा कैसा कर लूँ पहले, तो ये मेरा बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ हाईटेक नाम से, अभी जाते हैं अपने रिपोर्ट पर, यहाँ पर यहाँ हम जाते हैं एक्सपेंसिस में, देखो लास्ट 30 डेज दिखा रहा है, 21 अगस्त से कितने तक जो खर्चा हुआ है मेरा 3,500 रुपये का खर्चा हुआ है एक महीने के अंदर, आज से लेके टोटल एक महीने के अंदर जो खर्चा हुआ है ये हुआ है, और क्या था खर्चा हुआ है खाने पीने में कितना होता है, अगर मैं खाली आज आज से चेक करता हूँ ना भाई, आज तारीख है 20 सितंबर
आज ऐसे खर्चा हो रहा है 145 और यार पिछले हफ्ते का चेक करूँ पूरा मैं तो ये भाई 6 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, देखो 6 सितंबर 20 सितंबर खर्चा 2800 रुपये, इतना ज़्यादा खर्चा, इतना लगा कि वो इनकम ही नहीं, पॉकेट मनी नहीं होती मेरी, बट प्राउड करता हूँ अपने आप को क्योंकि ये खर्चा जो है ना ये मेरा है, ये मेरे पैसे से किया जाए खर्चा है इतना, वो भी मतलब आप देख सकते हो कि एक वीक देखते कितना वीक बैठता है, 20 से यानी 13 तक वीक बैठ जाएगा हमारा, फिर भी देखो एक वीक के अंदर 13 से लेके 20 तक 1400 600। देखो ये जो शोफ नहीं है, वह शोफ की बात की जाए मेरे वैसे तो मैं इतनी पब्लिक जा ही नहीं, 20-25 लोग बचते हैं तो शोफ तो हुआ ही नहीं, बट ये ना अपने पैसे खर्च करता हूँ मेरे जो मैं अर्न करता हूँ, तो प्राउड होता है अपने पास, हाँ भाई मैं इतने एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, तो खैर खर्चा कर रहा हूँ हाँ मैं इसका, बट खुशी बात की मेरे पैसे हैं, ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं, और पहले ना इससे भी ज़्यादा खर्चे थे जब मैंने नोट करना स्टार्ट किया ना उसमें सॉफ्टवेयर में, तब से कम हुए हैं खर्चे, कम कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, बट तब भी डेली के काफ़ी उठ रहे हैं भाई, किराए में उठ जाते हैं टोल से और खाने पीने में उठ ही जाते हैं यार, अब देखते हैं थोड़ा काम वाम करते हैं यार। तो अभी जो पूरा हो चुका है खाना पीना हमारा, और अभी तो बजाने बैठे हुए गर्मी एरिया बहुत ज़्यादा, और कूलर चल रहा है, मेरे पास कूलर बंद करना पड़ा, नितिन सो रहा है पर कूलर बंद करना पड़ा, तो यार वीडियो यहीं बैन कर देते हैं, कैसे लगी वीडियो कमेंट में बता देना, वीडियो प्लान नहीं था लंबा बनाने बट ये बन गई ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे, गुड नाइट टाटा बाय बाय।